हेलो हाय, वेलकम टू जीएस क्लब। माई सेल्फ अभिषेक दुबे। जैसा कि आपको पता है कि उत्तराखंड अपर पीसीएस का जो एग्ज़ाम है वो 3 अप्रैल को प्रस्तावित है, तो उसके लिए हमारी सीरीज जो है उत्तराखंड स्पेशल चली रही है। तो उसी के पार्ट में एक रिवीजन की तरह कुछ वन लाइनर फैक्ट्स हम देखेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस वही इसमें निहित हैं, मतलब सम्मिलित किए गए हैं या निहित किए गए हैं जो बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ से भी आपकी तैयारी हो जाएगी, एक तरह से रिवीजन भी हो जाएगा। और इसके बाद जो है, इस सीरीज के बाद एक जो है उत्तराखंड का आपको 1000 क्वेश्चंस की सीरीज मिलेगी। टेस्ट सीरीज अलग चल ही रही है, वो अलग है, लेकिन 1000 क्वेश्चंस की, तो बस वो 1000 फैक्ट्स होंगे, क्वेश्चंस नहीं होंगे। तो वन लाइनर फैक्ट्स 1000 की सीरीज भी चल रही है, तो उसमें ये पहली वीडियो आप मान लीजिए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। उत्तराखंड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी वगैरह का हमारा प्लेलिस्ट में पड़ा हुआ है, आप जाके देख सकते हैं। स्टार्ट करते हैं। टोटल एरिया जो है प्रदेश की या उत्तराखंड की, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, 53,483 स्क्वायर किलोमीटर, विच इज़ 1.63% ऑफ इंडिया टोटल जियोग्राफिकल एरिया, जो कि भारत की टोटल जो है भौगोलिक क्षेत्रफल का 1.63% है। नॉर्थ टू साउथ एक्सटेंड देखेंगे प्रदेश का ऐसे तो 320 किलोमीटर है, और ईस्ट टू वेस्ट देखेंगे जो कि ज़्यादा है, ये 358 किलोमीटर है। चाइना से जो बाउंड्री शेयर करता है ये 350 किलोमीटर है। अगर क्वेश्चन में आ गया सिर्फ तिब्बत से कितनी बाउंड्री शेयर करता है तो 300 किलोमीटर है। ठीक है, वहीं जो नेपाल के साथ है वो 275 किलोमीटर है, ये याद रखिएगा, नेपाल के साथ 275 किलोमीटर शेयर करता है। तो आप ये देख लीजिए, 350 और 275 कितने हो गए, तो आपका 600, ये 350 और 275, 625 किलोमीटर टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री है उत्तराखंड की। ठीक है, टोटल इंटरनेशनल बाउंड्री कितने किलोमीटर है, 625 किलोमीटर है। ईस्ट टू वेस्ट देख ही लिए, तो ईस्ट टू वेस्ट ज़्यादा है कंपेरिजन टू नॉर्थ, नॉर्थ टू साउथ, ये 320 है, ये 358 है, ये 350 है, नेपाल के साथ 275 है, चाइना के साथ 350 है। ठीक है, पोजीशन क्या है इन कंट्री इन टर्म्स ऑफ टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, तो 18th है। अगर आप जो है इसका सिर्फ जो है क्या नाम है स्टेट्स को लेते हैं, ठीक है, ओवरऑल लेंगे तो 20th होगा। ठीक है, 20th होगा सिर्फ, ओवरऑल लेंगे तो 20th होगा, वैसे 18वां है स्टेट्स, स्टेट्स में यूटीज और वो सारी लेंगे, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरी तो 20वां पोजीशन है। इस तरह से अगर फॉर्मेशन में देखिए तो हिमालयन राज्यों में जो फॉर्मेशन की दृष्टि से, यानी जब बना था तो 11वां हिमालयन राज्य था और 28वां जो है प्रदेश था। ठीक है, 28वां प्रदेश था इस तरह से। लैंग्वेज जो है स्टेट की वो हिंदी और संस्कृत है। फॉर्मेशन कब हुआ, तो 9 नवंबर 2000 को फॉर्मेशन हुआ था उत्तराखंड को, और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम चेंज करके उत्तरांचल से, शुरू में जब फॉर्म हुआ था तो इसका नाम उत्तरांचल रखा गया था, उत्तरांचल, अब 1 जनवरी 2007 से इसको उत्तराखंड कहा जाने लगा। ठीक है, उत्तराखंड कहा जाने लगा। पौराणिक नेम क्या है, तो केदारखंड और मानसखंड, तो मानसखंड में ही बेसिकली ये नाम लिया गया है। मानसखंड जो है आपका पुराना पुराण भी है, ठीक है, तो पुराणों में इसको केदारखंड और मानसखंड कहा गया है। कैपिटल जो इसकी टेम्परेरी है वो देहरादून है, प्रपोज्ड है गैरसैंण, और ग्रीष्मकालीन कैपिटल भी गैरसैंण ही है, याद रखिएगा। नंबर ऑफ डिस्ट्रिक्ट हैं 13, जिसमें सबसे बड़ा चमोली है और सबसे छोटा जो है वो चंपावत है। चमोली का जो है 8,030 स्क्वायर किलोमीटर है क्षेत्रफल। ठीक है, दूसरे नंबर पर आपका उत्तरकाशी पड़ता है जिसका 8,017 स्क्वायर किलोमीटर है। ठीक है, याद रखिएगा। डिवीज़न दो हैं, कुमाऊं और गढ़वाल, दोनों डिवीजन्स की बात करें, कुमाऊं और गढ़वाल दो डिवीज़न हैं, तो कुमाऊं 60% एरिया कवर करता है, गढ़वाल 40% एरिया कवर करता है। ठीक है, म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस उत्तराखंड में 9 हैं, पहले 8 थे, अभी लेटेस्ट बना है श्रीनगर जो कि पौरी गढ़वाल में पड़ता है, 2019 में ही बना है। ठीक है, और दो बने थे 2017 में, वो हैं कोटद्वार, 2017 में जो बने थे कोटद्वार है, और कौन सा है, ऋषिकेश है, ऋषिकेश है। ठीक है, तो टोटल इसमें 9 है। 2017 वाला भी याद कीजिएगा, जो फॉर्म हुआ था 2017 में, दो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो उत्तराखंड में बने थे, कोटद्वार और ऋषिकेश, ऋषिकेश देहरादून में पड़ता है। 2021 में एक बना है श्रीनगर पौरी गढ़वाल का,
श्रीनगर इन पौरी गढ़वाल में, ये नौवां म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है। ठीक है, इससे पहले ये म्यूनिसिपल काउंसिल था। म्यूनिसिपल काउंसिल्स कितनी है? 40 हैं, 41 थी, तो एक जो है ये म्यूनिसिपल काउंसिल श्रीनगर की म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन बन गया। तो म्यूनिसिपल काउंसिल्स कितनी बनी? बची 40। बिफोर दिसंबर 2021 इट वॉज 41। नगर पंचायत कितनी है या टाउन पंचायत या टाउन काउंसिल? तो 42 हैं। ठीक है, लेकिन इनके जो वेबसाइट है ऑफिशियल उस पर 43 दिया गया है। डेवलपमेंट्स बोर्ड्स कितने, ब्लॉक्स कितने हैं या विकासखंड जिसको बोलते हैं हिंदी में, विकासखंड, ठीक है, कितने हैं? 95 हैं, 95 ब्लॉक्स हैं। ठीक है, और तहसीलें कितनी हैं? तो तहसीलें 110 हैं, तहसील 110 है। विलेज पंचायत जो है 7791 है, और न्याय पंचायत 670 है, न्याय पंचायत 670 है। ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट बारे में बात करें तो सिडकुल है एक, स्टेट इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ उत्तराखंड लिमिटेड, सिडकुल 2002 में फॉर्म हुआ था। इसके कुछ टाउन्स हैं जो इन्होंने बनाए हैं, डेवलप किए हैं, उसमें इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट एट भेल। ठीक है, तो भेल कहाँ पे है? भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हरिद्वार में है, नियर शिवालिक नगर। ठीक है, तो ये टाउन बनाए गए हैं। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट कहाँ पे? पंतनगर में, रुद्रपुर में पंतनगर है, उधम सिंह नगर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, आईटी पार्क देहरादून में है, बनाया गया है, सिडकुल ने बनाया। फार्मा सिटी सेलाकुई में बनाई, सेलाकुई भी देहरादून में है। ठीक है, सिगड़ी ग्रोथ सेंटर कोटद्वार में बनाया गया है। इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट सितारगंज, सितारगंज कहाँ है? उधम सिंह नगर में। ठीक है, इंटीग्रेटेड इंडस्ट्रियल इस्टेट एस्कॉर्ट फॉर्म काशीपुर, काशीपुर कहाँ है? ये भी उधम सिंह नगर में। ठीक है, प्रपोज्ड डिस्ट्रिक्ट कितने हैं अभी उत्तराखंड में? काफ़ी पहले दिया गया था ये चार डिस्ट्रिक्ट बनाने की, अभी इसकी कोई बात नहीं हुई है। तो डीडीहाट है, डीडीहाट कहाँ है? पिथौरागढ़ में, कोटद्वार पौड़ी गढ़वाल में है, रानीखेत अल्मोड़ा में, रानीखेत को भी अलग डिस्ट्रिक्ट बनाने की बात कही गई थी, और यमुनोत्री है उत्तरकाशी में। ठीक है, तो अभी तक कुछ नहीं हुआ, काफ़ी दिन से प्रपोज्ड हैं ये। तो डीडीहाट पिथौरागढ़ में, कोटद्वार पौड़ी में, रानीखेत अल्मोड़ा में, और यमुनोत्री उत्तरकाशी में। एक नया डिवीज़न भी बनाने की घोषणा कर दी गई थी, फिर उसको जो है वापस ले लिया गया, गैरसैंण को डिवीज़न बनाने की बात कही गई थी। ठीक है, मार्च 2021 में, फिर अप्रैल में इस डिसीजन को वापस ले लिया गया। ठीक है, एक ही महीने बाद, तो ये याद रखिएगा। ठीक, कैंटोनमेंट बोर्ड्स कितने हैं उत्तराखंड में? तो ये देख लीजिए, अल्मोड़ा है, चकराता है, चकराता देहरादून में पड़ता है, क्लिमेंट टाउन है, ये भी देहरादून में पड़ता है, देहरादून खुद ही है ना, लैंडोर है, लैंडसोन है, लैंडसोन लैंडोर मसूरी के पास पड़ता है, नैनीताल है, रानीखेत है, और रुड़की है। ठीक है, तहसीलें 110 हैं, विलेज पंचायत 7791 और न्याय पंचायत 670 है उत्तराखंड में। ठीक है, टोटल विलेजेस कितने हैं? तो 16793। ठीक है, कॉपरेटिव बैंक्स कितने हैं? तो 11 हैं डिस्ट्रिक्ट कॉपरेटिव बैंक्स, इनकी ब्रांचेज हैं 264। लोकसभा, राज्यसभा और असेंबली की सीट्स की बात करें तो लोकसभा की 5 सीटें हैं, जिसमें एक सीट जो है एससी के लिए रिजर्व है, जो कि अल्मोड़ा की सीट है, अल्मोड़ा की सीट है। ठीक है, वहीं राज्यसभा की 3 सीटें हैं, एक भी रिजर्व नहीं है। 70 सीटें विधानसभा में हैं, जिसकी 13 सीटें जो है एससी के लिए और 2 सीटें एसटी के लिए रिजर्व्ड हैं। ठीक है, याद रखिएगा, 70 सीटें हैं विधानसभा में। गवर्नर 8वें जो कि हैं वो लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह है। पहले कौन थे कमेंट में बताइए, वो भी सरदार जी ही थे। ठीक है, पहले कौन थे? ठीक, ये 8वें हैं। 7वीं थी बेबी रानी मौर्य, उनके उसके बाद इस्तीफे के बाद इन्होंने ज्वाइन किया है। चीफ जस्टिस जो हैं राघवेंद्र सिंह चौहान है, उत्तराखंड हाई कोर्ट के, उत्तराखंड हाई कोर्ट का जो वो है कहाँ पे है? नैनीताल में है। उत्तराखंड हाई कोर्ट कहाँ है? नैनीताल में है। ठीक है, चीफ जस्टिस हैं राघवेंद्र सिंह चौहान। वहीं चीफ सेक्रेटरी कौन है? एस एस साधु हैं, एस एस साधु। डीजीपी उत्तराखंड के अशोक कुमार जी हैं, उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी हैं। लेंथ ऑफ नेशनल हाईवे इन उत्तराखंड तो 2949, कहीं पे 2019 भी दिया हुआ है, लेकिन 31 मार्च की 2021 के डेटा के हिसाब से 2949 किलोमीटर जो है नेशनल हाईवेज हैं उत्तराखंड में। तो इस तरह से 18वें नंबर पे पड़ता है पूरे देश में नेशनल हाईवे के उसमें। ठीक है, इरिगेशन सबसे ज़्यादा ट्यूबवेल से होता है 65%, उसके बाद कनाल से होता है, नलकूप, कनाल मतलब नहर, उसके बाद बोरवेल से जस्ट 3.53%। ठीक है, याद रखिए। क्रॉप्स में मेजर क्रॉप्स जो सबसे ज़्यादा उत्तराखंड, सबसे ज़्यादा वीट होता है, उसके बाद राइस, तब मेज। ठीक है, मतलब ये प्रोडक्शन के उस पर है, ठीक है, रिस्पेक्टिवली लिखा हुआ है। तो सबसे ज़्यादा वीट होता है, तब राइस होता है, तब मेज। IFR 2021 का जो डेटा है, इंडियन स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 जो आई है, 2 साल पर एक बार आती है, 2019 में इससे पहले आई थी, 2021 में अब आई है।
इसके डेटा के हिसाब से टोटल रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया उत्तराखंड में 38,000 स्क्वायर किलोमीटर है, जो कि टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तराखंड की 71% है। टोटल फॉरेस्ट कवर कितना है उत्तराखंड में? 24,350 या 24,305 स्क्वायर किलोमीटर, ठीक है, विच इज 45.44% ऑफ टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ उत्तराखंड। तो जो टोटल फॉरेस्ट कवर है वो कितना है? 45.44% है उत्तराखंड के टोटल जियोग्राफिकल एरिया का। हल्का सा बढ़ा है इसमें, जो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ा है। इसमें सबसे ज़्यादा है मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ठीक है, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट सबसे ज़्यादा MDF है, ठीक है, 23% के आसपास। उसके बाद जो है ओपन फॉरेस्ट है 12% के आसपास। उसके बाद वेरी डेंस फॉरेस्ट जो है वो 9% है, 9.45%, याद रखिएगा। ये 23.8%, लगभग 24% मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, याद रखिएगा। तो अगर पूछने में मिलाने में आ गया तो MDF है, फिर उसके बाद आपका ओपन फॉरेस्ट है, ठीक है, उसके बाद VDF है, ठीक है, मॉडरेटली डेंस, ओपन और VDF, ये 24, ये 12, ये 9, ठीक है, इस तरह से। डिस्ट्रिक्ट विद हाईएस्ट फॉरेस्ट कौन सा है परसेंटेज टर्म में? तो नैनीताल में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट परसेंटेज है, 71% जो है नैनीताल का पूरा एरिया फॉरेस्ट से घिरा हुआ है परसेंटेज में, याद रखिएगा। डिस्ट्रिक्ट विद लोवेस्ट फॉरेस्ट इन परसेंटेज टर्म में तो उधम सिंह नगर है। तो ये काफ़ी अजीब बात है, ये है उत्तराखंड, ये नैनीताल है, उसके नीचे ही जस्ट सटा हुआ उधम नगर है। तो इसमें फॉरेस्ट परसेंटेज नैनीताल में सबसे ज़्यादा है और इसमें सबसे कम है उत्तराखंड में, ये याद रखिएगा, ठीक है। नेशनल पार्क्स कितने? 6 हैं टोटल। तो इसमें से एक कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जो कि 1936 में फॉर्म हुआ था, ठीक है, इसका उस समय नाम था हेली नेशनल पार्क, ठीक है, हेली नेशनल पार्क। उसके बाद राजा जी नेशनल पार्क सीआर दास के नाम पे पड़ा है, सीआर दास का नाम पे। नंदा देवी नेशनल पार्क है, चमोली डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। वैली ऑफ फ्लावर, ये भी चमोली में ही पड़ता है, सबसे छोटा नेशनल पार्क है उत्तराखंड का वैली ऑफ फ्लावर। गंगोत्री नेशनल पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, ये उत्तरकाशी में पड़ता है। और गोविंद नेशनल पार्क, ये भी उत्तरकाशी में पड़ता है, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सबसे छोटी है, जो कि वो मसूरी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बस टोटल जो है वो 10 स्क्वायर किलोमीटर है। केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रुद्रप्रयाग में पड़ती है, सबसे बिगेस्ट है, ये बिगेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, ठीक है। उसके बाद गोविंद पशु विहार है, ये उत्तरकाशी में पड़ता है, अस्कोट पिथौरागढ़ में पड़ता है, डियर पार्क है। सोना नदी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, बिनसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। कंजर्वेशन रिजर्व टोटल 4 हैं, जिसमें झिलमिल है, हरिद्वार में पड़ता है, हरिद्वार में झिलमिल एक लेक भी है वो, जो कि आपकी बागेश्वर में पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आसान कंजर्वेशन रिजर्व देहरादून में पड़ता है, देहरादून में एकमात्र वेटलैंड साइट है उत्तराखंड की, ठीक है, एकमात्र वेटलैंड साइट जो कि रामसर कन्वेंशन के अंदर है, ठीक है, उत्तराखंड में 2020 में इसको रामसर कन्वेंशन में जुलाई में डाला गया है, ठीक है। आसान कंजर्वेशन, आसान रिवर भी है, पावलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व और नैना देवी कंजर्वेशन रिजर्व। ओल्डेस्ट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कौन सी है उत्तराखंड की? तो गोविंद पशु विहार है, उत्तरकाशी में पड़ता है, 1955 की है। बिगेस्ट कौन सी है? केदारनाथ है, 975 स्क्वायर किलोमीटर में है, रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है। स्मॉलेस्ट मसूरी है, देहरादून में पड़ता है, 10 स्क्वायर किलोमीटर का। ओल्डेस्ट नेशनल पार्क जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, 1936 में बना था, जब इसका नाम हेली नेशनल पार्क रखा गया था, ठीक है, हेली नेशनल पार्क, इसका नाम फिर चेंज करने की बात हो रही है, ठीक है, आप करंट अफेयर वाले सेक्शन में हमारे जाके देख सकते हैं। बिगेस्ट नेशनल पार्क गंगोत्री नेशनल पार्क है, 2390 स्क्वायर किलोमीटर का, जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, उत्तरकाशी में, ठीक है। स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क है वैली ऑफ फ्लावर्स, चमोली में पड़ता है, 87.5 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये जो दो नेशनल पार्क हैं, एक तो आपका नंदा देवी और वैली ऑफ फ्लावर्स, ये दोनों जो है मिला के एक बायोस्फीयर रिजर्व बनाते हैं उत्तराखंड का, जिसका नाम है नंदा देवी बायोस्फीयर रिजर्व, एकमात्र बायोस्फीयर रिजर्व है। तो पहले सिर्फ नंदा देवी वाले एरिया को लिया गया था बायोस्फीयर रिजर्व में यूनेस्को ने, ठीक है, पहले नंदा देवी वाले एरिया को लिया था, बाद में पूरा शामिल कर लिया है वैली ऑफ फ्लावर और नंदा देवी दोनों को, ठीक है, याद रखिएगा। लोक कला संस्थान अल्मोरा में है, ठीक है, रंगमंडल टू प्रमोट क्लासिकल एंड फोक डांस कहाँ पे है? अल्मोरा और देहरादून में, रंगमंडल, ठीक है। विनाथेश्वर जो मेला लगता है वो अल्मोरा में लगता है, व्यास ऋषि का मेला पिथौरागढ़ में लगता है, टपकेश्वर का मेला शिवरात्रि के दिन लगता है देहरादून में, ठीक है, नंद सत्सी का मेला नैनीताल में लगता है, वहीं फार्मर्स इंडस्ट्रियल टूरिज्म डेवलपमेंट फेयर कहाँ हो लगता है? चमोली, किसानों के जो है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का मेला कहाँ लगता है? चमोली में लगता है। विवेकानंद माउंटेनियस एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट अल्मोरा में है, बेसिकली नेहरू जी के समय में बना था, नहीं सॉरी ये दूसरा है, वो नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट है, ये विवेकानंद माउंटेनियस एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, आपका अल्मोरा में पड़ता है।
और नेहरू माउंटेनियरिंग इंस्टीट्यूट कहाँ है? वो आपका पड़ता है उत्तरकाशी में, उत्तरकाशी में, ठीक है, ये याद रखिएगा। फॉरेस्ट एंड पंचायत ट्रेनिंग एकेडमी कहाँ है? हल्द्वानी। हल्द्वानी कहाँ पड़ता है? नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में, नैनीताल में। बेसिकली हल्द्वानी सबसे बड़ा टाउन है और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन भी है हल्द्वानी, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये FRI कहाँ पड़ता है? देहरादून में। FRI कब फॉर्म हुआ था, इसका पहले नाम क्या था, सारा चीज़ जो है आप हमें कमेंट में बताइए, या तो आप हमारे टेस्ट, वो क्या नाम है, टेस्ट सीरीज वाला सेक्शन जाके देख सकते हैं, उसमें कंप्लीट कवर किया गया है। वाडिया हिमालयन जियोग्राफिकल इंस्टीट्यूट देहरादून में पड़ता है। ड्रिलिंग टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट भी देहरादून में पड़ता है। ONGC भी देहरादून में पड़ता है और पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट भी देहरादून में पड़ता है। नेशनल वेटनरी मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, जानवरों के लिए जो मेडिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट है, वो कहाँ पड़ता है? नैनीताल में। लेकिन जो एकदम सबसे बड़ा है वो नेशनल वेटनरी जो इंस्टीट्यूट है, या आप जो पक्षियों के लिए भी, एवियन भी, वेटनरी भी एवियन भी, वो इज्जत नगर बरेली में पड़ता है, ये भी याद रखिएगा, इज्जत नगर बरेली में, ठीक है। ड्रग कंपोजिट रिसर्च इंस्टीट्यूट रानीखेत अल्मोड़ा में पड़ता है। सेंट्रल बिल्डिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट रुड़की में है, बेसिकली IIT रुड़की के अंदर ही पड़ता है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ रिमोट सेंसिंग IIRS देहरादून में पड़ता है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कितनी है उत्तराखंड में? तो एक है, हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी। तो 15 जनवरी 2009 को इसको सेंट्रल यूनिवर्सिटी घोषित किया गया था, इससे पहले ये स्टेट यूनिवर्सिटी थी। तो हेमवंती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी कहाँ पर है? पौरी गढ़वाल में पड़ता है, पौरी में, ठीक है। तो यही एकमात्र सेंट्रल यूनिवर्सिटी है स्टेट की। स्टेट यूनिवर्सिटीज टोटल 11 हैं, तो उसमें देख लेते हैं। सबसे पहले दून यूनिवर्सिटी देहरादून में पड़ती है, GB पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी उधम सिंह नगर में, पंत नगर उधम सिंह नगर में। हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी भी देहरादून में पड़ती है, ठीक है। तो ये देख लीजिए, हेमवती नंदन बहुगुणा गढ़वाल यूनिवर्सिटी अलग है, हेमवती नंदन बहुगुणा मेडिकल यूनिवर्सिटी अलग है, जो कि देहरादून में पड़ती है। ये स्टेट है, वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी। कुमाऊं यूनिवर्सिटी मल्लीताल नैनीताल में पड़ती है। शोभन सिंह जीना यूनिवर्सिटी अल्मोड़ा में पड़ता है। श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी कहाँ पे है? टहरी गढ़वाल में। उत्तराखंड आयुर्वेद यूनिवर्सिटी हर्रावाला देहरादून में है। उत्तराखंड ओपन यूनिवर्सिटी हल्द्वानी में पड़ता है। उत्तराखंड टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी देहरादून में। उत्तराखंड संस्कृत यूनिवर्सिटी हरिद्वार में। और वीर चंद्र सिंह गढ़वाली फॉरेस्ट्री एंड गार्डनिंग यूनिवर्सिटी पौरी गढ़वाल में पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें याद रखिएगा, ठीक है। डीम्ड यूनिवर्सिटी उत्तराखंड में 3 है, पहला तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो कि देहरादून में है, दूसरा ग्राफिक इरा इंस्टीट्यूट भी देहरादून में है, और तीसरा गुरुकुल कांगड़ी विश्वविद्यालय हरिद्वार में पड़ता है। अब थोड़ा सा डिस्ट्रिक्ट्स के बारे में, उनके फैक्ट्स के बारे में देख लेते हैं, उत्तराखंड में कौन कौन सा डिस्ट्रिक्ट है, उनसे रिलेटेड फैक्ट। तो अल्मोड़ा किस लिए फेमस है? अल्मोड़ा जो है पहले स्थान पर है फ्रूट प्रोडक्शन में, ठीक है। भरतखंडे म्यूजिक अकेडमी भी अल्मोड़ा में ही स्थित है, ठीक है। बिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी यहीं पर है अल्मोड़ा में। गोविंद वल्लभ पंत लोक कला संस्थान भी अल्मोड़ा में है। इंपॉर्टेंट टेम्पल जो अल्मोड़ा में है वो सोमेश्वर है, बैजनाथ है, रणचंडी का टेम्पल है और चितई का मंदिर है। फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ सेक्स रेशियो, तो अल्मोड़ा में जो सेक्स रेशियो सबसे ज़्यादा है वो है 1139। तो 1139 महिलाएँ प्रति 1000 वर्ग जो है, 1000 पुरुषों पर 1139 महिलाएँ पाई जाती हैं अल्मोड़ा में, जो कि पूरे उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा है, और चाइल्ड सेक्स रेशियो भी सबसे ज़्यादा है। तो सेक्स रेशियो और चाइल्ड सेक्स रेशियो उत्तराखंड में सबसे ज़्यादा कहाँ पे मिलता है? वो है अल्मोड़ा में। अल्मोड़ा में चाइल्ड सेक्स रेशियो क्या है? 0 to 6 ईयर वाले जो बच्चों का सेक्स रेशियो है, इसमें कितनी बच्चियों पर कितने बच्चे हैं, ये इसमें डिसाइड होता है। तो अल्मोड़ा में सबसे ज़्यादा ये भी है, ये भी है। ओवरऑल चंपावत का देखते हैं, तो अल्मोड़ा में तो हमको मिल गया था बिंसर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चंपावत में कौन सी है? नंदौर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ठीक है। एंशिएंट नेम ऑफ चंपावत क्या था? चंपावत थी। रामकृष्ण मिशन स्टार्टेड बाय विवेकानंद कहाँ पे? मायावती नाम की जगह पे रामकृष्ण मिशन की शुरुआत की गई थी विवेकानंद जी द्वारा, वो पड़ता है मायावती जगह कौन से, कहाँ पे? चंपोरा में, अरे चंपावत में, सॉरी। श्यामला ताल और झिलमिल ताल दोनों चंपावत में पड़ते हैं, कई बार क्वेश्चन में पूछा गया भी है, ठीक है। टेम्पल जैसे नरसिंह, हिंगला देवी, सप्तेश्वर और बालेश्वर टेम्पल्स यहाँ पे मिलते हैं, और बगवाल का मेला लगता है देवी धुरा में रक्षाबंधन के दिन, बहुत ही इंपॉर्टेंट फेयर है, बार बार परीक्षाओं में पूछा जाता है, ठीक है। तो बगवाल मेला कहाँ पे लगता है? देवी धुरा। देवी धुरा हिस्टोरिक प्लेस है, आप हिस्ट्री में पढ़ेंगे देवी धुरा के बारे में बहुत कुछ, रक्षाबंधन के दिन लगता है बगवाल फेयर, ठीक है। पिथौरागढ़ की बात करें तो मसूर के प्रोडक्शन में, लेंथिल के प्रोडक्शन में फर्स्ट है, ठीक है। वहीं धौली गंगा डैम भी यहीं पे है, ठीक है, पिथौरागढ़ में। अस्कोट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पिथौरागढ़ में है, जहाँ पे जिसको डियर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी कहते हैं।
बिरथी और चिनेश्वर फॉल्स हैं, यानी झरने हैं। बिरथी और चिनेश्वर झरने कहाँ पे हैं? पिथौरागढ़ में। टेम्पल्स कौन कौन से हैं? अट्टालिका का मंदिर है, चंडक का मंदिर है, असुर चूला है और देवल मंदिर है। एससी की पॉपुलेशन, एससी की पॉपुलेशन परसेंटेज वाइज अगर शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन देखें तो सेकंड पोजीशन पे है पिथौरागढ़ पूरे उत्तराखंड में। ठीक है, नैनीताल की बात करते हैं, हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राम यानी चने का और सोयाबीन का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? नैनीताल। कॉर्बेट झरना भी यहीं पे मिलता है, भीमताल और जामरानी डैम भी यहाँ पे है। लेक्स कौन कौन सी है? तो भीमताल है, बिगेस्ट लेक ऑफ कुमायूं है। नौकुचिया ताल है, तो डीपेस्ट लेक ऑफ कुमायूं। सत्ताल है और खुरपा ताल है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट लेक्स हैं। बटरफ्लाई म्यूजियम आपका भीमताल में मिलता है, यहीं पे नैनीताल में। ठीक है, सेकंड इन टोटल फीमेल, टोटल लिटरेसी और फीमेल लिटरेसी में सेकंड पोजीशन पे है पूरा उत्तराखंड में नैनीताल। अर्बन पॉपुलेशन परसेंटेज टर्म में भी सेकंड पे है। तो शहरी जो पॉपुलेशन है, शहरी पॉपुलेशन या जनसंख्या परसेंटेज टर्म में नैनीताल सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्याओं में। तो पहले नंबर पे कौन है वो कमेंट में बताइए, आगे मिलेगा आपको। बागेश्वर की बात करते हैं, तो वाराणसी ऑफ नॉर्थ या काशी ऑफ नॉर्थ के नाम से जाना जाता है बागेश्वर। ग्लेशियर्स कौन कौन से हैं? इंपॉर्टेंट ग्लेशियर तो बागेश्वर तक ही आपको ग्लेशियर मिलेंगे, उससे नीचे फिर नहीं मिलेगा। ठीक है, पिथौरागढ़, फिर बागेश्वर, चमोली इधर, फिर इधर उत्तरकाशी, फिर इधर पौड़ी गढ़वाल। ठीक है, ये पूरा ग्लेशियर वाला रीजन है। ठीक, तो बागेश्वर में छोटे छोटे ग्लेशियर्स हैं, देख लेते हैं। तो सुंदरढुंगी ग्लेशियर है, सुखराम ग्लेशियर, कफनी ग्लेशियर, मैकातोली ग्लेशियर और पिंडारी ग्लेशियर। पिंडारी ग्लेशियर बेसिकली आपका पिथौरागढ़ और इसमें मिला के है। ठीक है, टेम्पल्स कौन कौन से हैं? तो बागेश्वर है, बागनाथ है और बैजनाथ टेम्पल है। रिवर कौन कौन से निकलती हैं? तो सरयू और गोमती। गोमती सरयू की ट्रिब्यूटरी है, ये वाली गोमती अलग है जो यूपी की गोमती है उससे, जो कि गंगा की ट्रिब्यूटरी है वो अलग है गोमती, ये गोमती अलग है, ये सरयू रिवर की ट्रिब्यूटरी है। एससी जो है शेड्यूल कास्ट की परसेंटेज वाइज जो है हाईएस्ट रेट इन द स्टेट है, तो सबसे ज़्यादा परसेंटेज टर्म में एससी की पॉपुलेशन कहाँ पे मिलती है? बागेश्वर में मिलती है। सेकंड यहाँ पे आपका जो है पिथौरागढ़ में फर्स्ट पे थी बागेश्वर, सेकंड पे थी बागेश्वर में, फर्स्ट पे है। ठीक है, याद रखिएगा। उधम सिंह नगर की बात करते हैं, तो पंतनगर एयरपोर्ट सबसे पहले तो उधम सिंह नगर में है। खटीमा हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी है, ठीक है, पनबिजली जो प्रोजेक्ट है खटीमा का। शुगर केन डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट है काशीपुर में, उधम सिंह नगर में। जीबी पंत एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी भी यहीं पे है उधम सिंह नगर में। पॉपुलेशन डेंसिटी की बात करें तो पूरे स्टेट में सबसे सेकंड पे है, सबसे ज़्यादा जो है पॉपुलेशन इसका डेंस पॉपुलेशन है उधम सिंह नगर का। ठीक है, फर्स्ट पे कौन सा कॉमन में बताइए। ठीक है, तो पॉपुलेशन डेंसिटी पूरे स्टेट में जो है सेकंड पोजीशन पे यहाँ पे है। ठीक है, एसटी की पॉपुलेशन में परसेंटेज, यानी शेड्यूल ट्राइब्स की जनजातियों की पॉपुलेशन में, जनजातीय पॉपुलेशन के टर्म में जो है परसेंटेज टर्म में ये फर्स्ट पे है उधम सिंह नगर, याद रखिएगा। ठीक है, देहरादून की बात करते हैं, तो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट यहीं पे है। ठीक है, देहरादून में संस्कृत निदेशालय है उत्तराखंड का, देहरादून में। इंडियन पेट्रोलियम रिसर्च इंस्टीट्यूट है देहरादून में। आईएमए यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी भी देहरादून में है। कब फॉर्म हुई थी कमेंट में बताइए। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन भी देहरादून में है। लोवेस्ट जो है परसेंटेज का एससी की पॉपुलेशन है, तो सबसे कम एससी पॉपुलेशन परसेंटेज टर्म में कहाँ मिलते हैं? टोटल पॉपुलेशन का परसेंटेज टर्म में सबसे कम आपका देहरादून में ये शेड्यूल कास्ट का पॉपुलेशन है। ठीक है, लेकिन एसटी की पॉपुलेशन परसेंटेज टर्म में देखें तो उत्तराखंड में ये सेकंड पोजीशन पे है। ठीक है, टोटल पॉपुलेशन जो है में भी सेकंड पे है, तो कुल जो है जनसंख्या में जो है ये दूसरी पोजीशन पे है। तो पहले नंबर पे कौन सा है टोटल पॉपुलेशन में? तो टोटल पॉपुलेशन में देहरादून सेकंड पे है, लिटरेसी पहले नंबर पे हरिद्वार है, याद रखिएगा। लिटरेसी रेट और फीमेल लिटरेसी रेट पे फर्स्ट में है। ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन में भी पहले स्थान पे है, अर्बन पॉपुलेशन में सेकंड पे नैनीताल है, सेकंड पे नैनीताल है अर्बन पॉपुलेशन में परसेंटेज टर्म में, फर्स्ट पे देहरादून है। ठीक है, उत्तरकाशी की बात करते हैं, तो मनेरी डैम यहीं पे मिलता है। नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग उत्तरकाशी में है। गंगोत्री और गोविंद नेशनल पार्क जो है उत्तरकाशी में पड़ते हैं। लेक्स कौन कौन सी है? डोडी ताल है, नचकेत ताल है, केदार ताल है, भरड़ साल ताल है, लामा ताल है, देव सदी ताल है, पचखंडी ताल है। ठीक है, ग्लेशियर्स गंगोत्री है, यमुनोत्री है, डोरियानी है, स्वर्ग भूमि है, बंदर पूछ है। ठीक है, और भी ढेर सारे हैं। टेम्पल्स कौन कौन से हैं? दत्तात्रेय, ठीक है, गंगोत्री,
यमुनोत्री और परशुराम। तो दत्तात्रेय और परशुराम जरूर याद रखिएगा, पूरे नॉर्थ में दत्तात्रेय का बहुत कम मंदिर है, तो उसमें से एक है ये, उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, लोवेस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है, तो सबसे कम लोग जो है पर स्क्वायर किलोमीटर में कहाँ पाए जाते हैं, उत्तरकाशी में। चाइल्ड सेक्स रेशियो में सेकंड पे है, ठीक है, और लोवेस्ट फीमेल लिटरेसी रेट भी उत्तरकाशी में है। चमोली की बात करते हैं तो वाटरफॉल कौन सा यहाँ मिलता है, वसुधरा वाटरफॉल। ग्लेशियर्स में दूनागिरी, हिप बरामक, बद्रीनाथ, सतोपत, भागीरथी और भी ढेर सारे ग्लेशियर्स मिलते हैं चमोली में। ठीक है, लेक्स की बात करें तो रूपकुंड, हेमकुंड, होमकुंड। रूपकुंड जो है यहाँ स्केलेटन्स मिले थे, ठीक है, कंकाल। हेमकुंड कौन सी जगह है, तो हेमकुंड गुरुद्वारा है। होमकुंड तो नंद जाट यात्रा का आखिरी पड़ाव होमकुंड रहता है। सतोपत ताल है, ठीक है, वेनी ताल है, लिंग ताल है, सुख ताल है, विष्णु ताल है। ठीक है, मंदिर देख लेते हैं तो गोपेश्वर शिव मंदिर है, रुद्र महालय है, त्रियुगी नारायण मंदिर है और बद्रीनाथ है। टोटल लिटरेसी रेट में सेकंड पोजीशन पे है, परसेंटेज में नहीं टोटल में। ठीक है, और उर्गम हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी आपका चमोली डिस्ट्रिक्ट में ही मिलता है। ठीक है, अब बात करते हैं हरिद्वार की। हरिद्वार में दिव्य सरोवर ताल या लेक मिलती है। उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन का जो है मुख्यालय भी यहीं पे है। मोहम्मदपुर और पथरी स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी यहाँ पे है। IIT रुड़की भी हरिद्वार में ही पड़ता है। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्लावर यानी फ्लावर फूलों का, शुगर केन गन्ने का, ग्राउंडनट यानी मूंगफली का और तंबाकू का हाईएस्ट प्रोड्यूसर कौन सा है, हरिद्वार है। भेल भी हरिद्वार में पड़ता है जो कि भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड का। वो टेम्पल्स कौन कौन से, पशुपतिनाथ महादेव, नीलेश्वर महादेव, गंगा और गायत्री के मंदिर मिलते हैं। हाईएस्ट पॉपुलेशन यहाँ पे है और पॉपुलेशन डेंसिटी भी सबसे ज़्यादा कहाँ की है, हरिद्वार की है। लोवेस्ट सेक्स रेशियो और लोवेस्ट मेल लिटरेसी भी हरिद्वार में आपको मिलेगी। रुद्रप्रयाग की बात करें तो केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और केदारनाथ मंदिर, ठीक है, और चोराबारी ग्लेशियर, ये सारी चीज़ें आपको रुद्रप्रयाग में मिलेगी। चोराबारी ग्लेशियर वही ग्लेशियर है जो 2013 में बस्ट हुआ था, ठीक है, आप ग्लेशियर यहाँ बचा नहीं है। ठीक है, केदारनाथ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और केदारनाथ टेम्पल यहीं पर मिलेगा। अगर केदारनाथ जो है केदारनाथ ग्लेशियर पूछ लिया तो वो उत्तरकाशी में है, ग्लेशियर अगर आ गया तो वो उत्तरकाशी में पड़ता है। ठीक है, काली गंगा स्मॉल हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट भी आपको रुद्रप्रयाग में पड़ेगा। लेक्स में भेगताल, बडानी ताल, सरवदी ताल और देवरिया ताल मिल जाएगा। टेम्पल्स में बानासुर, कोटेश्वर महादेव, अर्धनारीश्वर, रुद्रनाथ, तुंगनाथ, सबसे हाईएस्ट जो है टेम्पल है ये पंचकेदार में, ठीक है, महाकाली और ओंकारेश्वर। हाईएस्ट मेल लिटरेसी रेट आपको रुद्रप्रयाग में मिलेगी, लोवेस्ट पॉपुलेशन मिलेगा रुद्रप्रयाग में, सबसे कम पूरे उत्तराखंड में जो पॉपुलेशन है, ठीक है, किसी डिस्ट्रिक्ट में, तो रुद्रप्रयाग में। सेक्स रेशियो में सेकंड पे है, ठीक है, और अर्बन पॉपुलेशन में भी सेकंड पे है। ठीक है, सबसे ज़्यादा अर्बन पॉपुलेशन कहाँ है वो हमें कमेंट में बताइए परसेंटेज टर्म में। उत्तरकाशी की बात करें तो मानेरी डैम उत्तरकाशी में है, नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ पीछे चले गए, पौरी गढ़वाल का देखते हैं, रुद्रप्रयाग देख लिया। पौरी गढ़वाल तो डिस्ट्रिक्ट विद लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया, तो सबसे ज़्यादा एरिया वाइज जो है फॉरेस्ट आपको पौरी गढ़वाल में मिलेगा। ठीक है, फर्स्ट इन बार्ली यानी जौ के उत्पादन में प्रथम है। संस्कृत भवन और रामगंगा डैम भी यहीं पर मिलेगा। रिलीजियस प्लेसेस में भादों की मंगारी और भीम की मंगारी, ज्वालपाधाम, ठीक है, टेम्पल्स में नीलकंठ महादेव और बिनसर महादेव है ना, बिनसर महादेव, मानिकनाथ, कंडोलिया, गरुण टेम्पल, कमलेश्वर, कल्याणेश्वर, अष्टवक्र टेम्पल, तो अष्टवक्र की ऋषि थे उनके नाम पे टेम्पल है। टहरी गढ़वाल की बात करते तो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ स्पाइसेस यानी मसालों का और तूर दाल का सबसे बड़ा प्रोड्यूसर टहरी गढ़वाल है। खतलिंग ग्लेशियर यहीं पे स्थित है। खतलिंग से कौन सी नदी निकलती है, तो भील गंगा निकलती है। भील गंगा किसकी ट्रिब्यूटरी है, भील गंगा बताइए किसकी ट्रिब्यूटरी है, तो गंगोत्री की ट्रिब्यूटरी है, गंगोत्री रिवर की, भागीरथी सॉरी। ठीक है, देवप्रयाग और विश्वनाथ केव्स भी मिलेंगी आपको। कोटेश्वर डैम और टहरी डैम, टहरी डैम की ऊंचाई कितनी है, 260 मीटर। टेम्पल्स हैं रघुनाथ टेम्पल, चंद्र बदनी टेम्पल और बूढ़ा केदार भी आपको टहरी गढ़वाल में मिलेगा। लेक्स में मसूर ताल, सहस्त्र ताल, अप्सरा ताल, महासर ताल, यम ताल और बासुकी ताल। बासुकी ताल का पानी लाल होता है, लाल। ठीक है, लोवेस्ट ST पॉपुलेशन इन परसेंटेज टर्म, सबसे ज़्यादा जो है शेड्यूल ट्राइब की पॉपुलेशन परसेंटेज टर्म में कहाँ में मिलेगी, आपको टहरी गढ़वाल में मिलेगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। ठीक, थैंक यू, धन्यवाद। एक चीज़ और नोट कर लीजिए आप, तो जितना पूरा उत्तराखंड में अगर आप माउंटेनियस एरिया देखेंगे तो लगभग 86% माउंटेन्स है। प्लेन में आपका जो है 86.37% है और प्लेन में जो है आपका 13.97% है। ठीक है,
तो ये प्लेन है 13.97% प्लेन पड़ता है और 86.3% जो है आपका माउंटेन्स पड़ जाते हैं उत्तराखंड में। ठीक है, तो ये याद रखिएगा, ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। ठीक, तो प्लेन कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है? तो देहरादून में थोड़ा सा पड़ जाएगा, हरिद्वार में पड़ेगा, नैनीताल में पड़ेगा और उधम सिंह नगर में पड़ेगा। तो ये चार डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पे प्लेन्स मिलेंगे आपको। ठीक है, ये याद रखिएगा। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। क्वेश्चंस की सीरीज हमारी जल्दी ही आने वाली है, टेस्ट सीरीज चल रही है, आप देख सकते हैं। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, आप वीडियोज हमारी प्लेलिस्ट में पड़ी हुई हैं, देखते रहिए। थैंक यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।